स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 9 ऑफ अ मोशन चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं, 9 लेक्चर पढ़ने वाले हैं मोशन में। ठीक है, अब आप तक आप लोग जब तक आप क्या कर चुके हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का कर चुके हो, मोशन में पढ़ चुके हो। जैसे हमने इस चैप्टर में क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या पढ़ा है, सिंपल हमारा जो सबसे पहला था क्या पढ़ी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया कि मोशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बराबर है, मोशन मतलब क्या होता है वो समझ लिया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा था डिस्टेंस मतलब क्या होता है वो समझ लिया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है वो आप लोगों ने समझ लिया। थर्ड बात आप लोगों ने समझ ली स्टूडेंट्स कौन सी, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होने के बाद स्पीड मतलब क्या होता है वो समझ लिया स्टूडेंट्स। फोर्थ आप लोगों ने समझ लिया वेलोसिटी, क्या समझा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी समझ लिया। उसके बाद फाइव जो आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने क्या कर ली है, अंडरस्टैंड कर ली है। ठीक है, उसके बाद ये वो टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमने क्या किए, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल से स्टूडेंट्स वो क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। और इसके बाद हमने क्या किया है, इक्वेशंस पढ़े हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तीन इक्वेशंस पढ़े हैं आप लोगों को, बताया v² = u² - 2ax, v = u + 80 वगैरह वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, s = ut + 1 80 square, तो ये इक्वेशंस क्या कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको डिराइव भी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, आप क्या कर चुके हो, डिराइव कर चुके हो, अदरवाइज सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, होप सो आप लोगों को सारे के सारे ये जो कंसेप्ट है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, मोशन चैप्टर वैसे तो खूब बहुत आसान है, सिर्फ आपके पास क्या होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। आपका जो चैप्टर है वो आपको क्या करेगा, आउट ऑफ मार्क क्या करेगा, देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्ट सिलेक्ट पढ़ते चलो, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी को भी डाउट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंड करना है, अदरवाइज मुझे कॉल करके पूछना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बार मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इसमें मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है कि क्या है, होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से होमवर्क करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, नहीं तो क्या, होमवर्क नहीं करोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जो होमवर्क गिवन है देना है। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली क्या कर रहे हैं, होमवर्क क्या कर रहे हैं, सेंड इट कर रहे हैं, बराबर है, अदरवाइज जो बाकी के हैं वो क्या है, कभी भेज रहे हैं कभी नहीं भेज रहे, कोई तो अभी तक भेजा ही नहीं है। ठीक है, तो नाम मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसके जो न्यूमेरिकल से अदरवाइज जो होमवर्क गिवन है उसका क्या करना है, मुझे भेजने हैं। ठीक है, फोटो निकाल के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या हो चुका है, 80% चैप्टर क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, कवर हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका स्टूडेंट, 80% चैप्टर जो था वो कवर हो गया है, सिर्फ अब 20% बचा हुआ है, जो कि क्या स्टूडेंट, क्या है वो टॉपिक, कौन सा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब हमने जो अब तक मोशन पढ़ी है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, वही फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है, प्लॉट करना है, किसमें, तो ग्राफ में, किसमें, सिंपल ग्राफ में। तो इसीलिए उस टॉपिक का नाम क्या दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का एक एग्जांपल आपके इसमें होगा ही। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक थ्योरेटिकली आपको क्या होगा, सेंटेंस फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके डेटा गिवन होगा, उसको पढ़ के आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, और उसके बाद स्पीड निकालनी पड़ती है और डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, अदरवाइज 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी लेंथ क्या होती है, बनती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले तो ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है, 2 मार्क के लिए, उसके बाद स्पीड फाइंड आउट करने को बोला है, अदरवाइज डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोला है, तो वो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से, लेकिन 3 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक पे मिलने ही वाला है स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और वो टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, जो कि आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, वेरी इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, कंसेप्ट लेना जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्या शुरुआत करते हैं, हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो थोड़े से बेसिक में चलते हैं स्टूडेंट। जैसे किस तरह से आप लोगों को पता है, हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, तो उसी तरह से हमने क्या किया है, ग्राफ्स के बारे में हमें पता है, 3-4 ग्राफ्स के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ आप लोगों को, सब लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, क्या होता है, देखो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, बराबर है, तो ये क्या होता है, लाइन ग्राफ, ये कौन सा स्टूडेंट्स, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बार ग्राफ, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े से क्या होते हैं, बार्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं,
बार प्रेजेंट होते हैं। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, बार ग्राफ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, बार ग्राफ कहा जाता है। और एक होता है आप लोगों के पास थर्ड वाला पाई ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है पाई ग्राफ, यहाँ पे यहाँ से सेंटर से इस तरह से क्या होते हैं इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है, वो भी आप अलग अलग एंगल्स में स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को बार ग्राफ, ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स बार ग्राफ। लेकिन हम जो मोशन के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो कौन सा है आपका लाइन ग्राफ, कौन सा सिंपल लाइन, जो कि मैंने फर्स्ट निकाला था सिंपल लाइन ग्राफ, ठीक है। और इससे पहले आप लोग 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोगों को ग्राफ मैंने समझाने की कोशिश की थी उस वक्त, अगर नहीं आप कुछ स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो आप लोगों को पढ़, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़े से डेप्थ में लेके जा रहा है इस साल, ठीक है। देखो तो क्या बोला हुआ है, ग्राफ्स तो पता चलेंगे कि 3-4 टाइप के ग्राफ्स है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स ग्राफ्स, ग्राफ्स को स्टडी क्यों करना है हमें, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए जैसे आप देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, कुछ डेटा मतलब सेंटेंस के फॉर्म में क्या होता है आप लोगों को गिवन डेटा परफॉर्म किया जाता है, दिया जाता है, जैसे कि हमने अभी जो प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसमें, बराबर है। जैसे आप लोगों को क्या करना है उसमें यू फाइंड करना है, यू 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 क्या है, वी क्या है, ए क्या है, यस क्या है, ये निकालना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन उसके तुलना में मतलब उसके कंपैरिजन में आप लोग अगर ग्राफ को देखो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि यू क्या है, स्पीड क्या है, वैल्यूज क्या है, ठीक है। मतलब आप इजीली क्या कर सकते हो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखते बराबर कि हाँ ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, हाँ इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड उतनी है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या कर सकते हो देखते बराबर आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसीलिए क्या है इसका इंपॉर्टेंस होता है कि जो मोशन होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हुए, देखो तो देखो क्या लिखा हुआ है, इजी टू रीडर अंडरस्टैंड डेटा, बराबर है। मतलब आप क्या कर सकते हो ग्राफ के देखने के बाद इजी क्या कर सकते हो स्टूडेंट, अंडरस्टैंड कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। इजी टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मींस क्या हो गया, देखो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, देखो यहाँ पे एक एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है, इस पे एक क्वांटिटी होगी, इस पे एक क्वांटिटी होगी, बराबर स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो कि स्पीड टाइम इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है, वो किसके साथ बना सकते हो, विद्युत आप ग्राफ के साथ ही क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, इजीली बता सकते हो। अदरवाइज आपको सेंटेंस के फॉर्म में न्यूमेरिकल है तो आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि स्पीड एंड टाइम के रिलेशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो ग्राफ के साथ आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मेंटेन कर सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद क्या, कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट, मतलब बहुत आसान है क्या मेथड है जिसमें क्या किया जाता है मोशन के न्यूमेरिकल्स क्या है प्लॉट करने में बहुत ही आसानी से क्या है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए ग्राफ्स कितने टाइप्स के हैं, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लाइन ग्राफ की तरफ, क्योंकि हमारा क्या है ये जो हम पढ़ने वाले हैं मोशन में वो किस कौन सा ग्राफ पढ़ते हैं स्टूडेंट मोशन में। तो उससे पहले क्या स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हम, सिंपल बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स में क्या होता है स्टूडेंट वो स्टडी करने वाले। देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ किसी को अगर डाउट्स है तो, ठीक है। देखो डाउट्स है तो क्या है आप लोगों को पता है ग्राफ्स, तो ग्राफ्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होंगे, दो एक्सिस होंगे, क्या होंगे स्टूडेंट्स दो एक्सिस होंगे, कितने एक्सिस होते हैं दो एक्सिस, ये जो होता है ये क्या होता है वाई एक्सिस, ये कौन सा होता है वाई एक्सिस, ये कौन सा होता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आप लोगों का क्या होता है स्टूडेंट्स ओरिजिन, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स ओरिजिन, क्या होता है स्टूडेंट्स ओरिजिन, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स तो ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, दैट मींस क्या होता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम इस एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं रखने वाले हैं वो कहां से शुरू होगी यहां से, बराबर है। मतलब अगर मैं इस एक्सिस को इसके ऊपर लिखने वाला हूं तो यहां पे इस वैल्यूज क्या होगी इंक्रीज होती चलेगी और इस एक्सिस पे क्या होगी इंक्रीज होती चलेगी, ठीक है। दैट मींस क्या आपका जो एक्स एक्सिस है कौन सा एक्सिस हो गया सिंपल हॉरिजॉन्टल, कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये कौन सा हो गया आप लोगों का वर्टिकल, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज में रखनी है। देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ से क्या शुरू हुआ है जीरो जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लेना है आपको इक्वल अमाउंट में क्या लेना पड़ेगा वन टू थ्री। अब यहाँ पे स्केल कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्केल किसके लिए है वन सेंटीमीटर की, बराबर है वन की, यहाँ पे भी कहा से हो जाएगा शुरू वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। देखो सबसे पहले दो एक्सिस होंगे वाई एक्सिस जीरो
मतलब आपका ओरिजिन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके ये जो दो एक्सिस होते हैं, ये जो दो एक्सिस होते हैं, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस और एक होता है डिपेंडेंट एक्सिस। तो आपका जो एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट एक्सिस। ये क्या है स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा आपका? डिपेंडेंट एक्सिस। ये क्या होता है स्टूडेंट? डिपेंडेंट एक्सिस, ध्यान में रखना है ऑलवेज। देखो सबसे पहले एक एक चीज डिटेल में जा रहा हूं अंदर। देखो सबसे पहले क्या है, दो एक्सिस निकालिए, एक्स वाई, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ओरिजिन ओरिजिन 0 0, यहां से बढ़ती हुई स्केल इस तरफ, यहां से बढ़ती हुई स्केल इस तरफ। बाद में मैंने बताया एक्स जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है? डिपेंडेंट है। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होगा, दैट मींस क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो इंडिपेंडेंट का एग्जांपल कौन सी, हमारी जो हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ। देखो कौन सी पढ़ी हुई है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस पढ़ी हुई स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी है स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन, बराबर है, वेलोसिटी, और एक होती है हमारी टाइम। तो देखो स्टूडेंट्स, सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है? डिपेंडेंट है, लेकिन जो टाइम होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है। देखो डिपेंडेंट मींस क्या हो रहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अब मैं देखो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, बराबर है, मतलब मैं गाड़ी लेके आया और मैंने गाड़ी रख दी, मैं यहाँ पे गाड़ी आके क्या कर दी, खड़ी कर दी। अब क्या हो रहा है, खड़ी कर दी मतलब क्या हो रहा है, गाड़ी शुरू है स्टूडेंट्स, बराबर है, मतलब मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी शुरू है मेरी, मतलब क्या हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? चल रहा है, टाइम क्या हो रहा है? चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना मेरा, मतलब टाइम किसी के लिए रुक रहा है क्या? टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट है। तू चल या ना चल, मैं तो चल ही रहा हूँ, ठीक है, टाइम किसी से लेना देना नहीं, टाइम क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसका और मोर कंसेप्ट आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझना है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो टाइम क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसीलिए देखो कहां पे आएगी ऑलवेज, तो इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर। और हमारा इंडिपेंडेंट एक्सिस कौन सा स्टूडेंट्स? तो सिंपल एक्स एक्सिस। दैट मींस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो आपका एक्सिस होगा वो ऑलवेज क्या, कौन सा टाइम फिजिकल क्वांटिटी को शो करेगा? तो टाइम को। और इस तरह क्या कर रहा हूं, एरो दिखा रहा हूं, दैट मींस इस तरफ क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट होगा आपके टाइम का। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, टाइम देखने के बाद, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी देखने के बाद, टाइम का जो यूनिट होता है वो आपको ऑलवेज यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑलवेज ध्यान में रखना है कि टाइम तो लिख दिया है कि एक्स एक्सिस कौन सा कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, और टाइम का यूनिट किस में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं होगा, मुझे दिया हुआ है एग्जाम्पल में सेकंड, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में सेकंड लग दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो क्या है, डिपेंडेंट है। ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो क्या है स्टूडेंट, डिपेंडेंट है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब मैं एक बार आप लोगों को और क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि देखो आपको ग्राफ में जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दैट मीन्स दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है, क्योंकि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या करते हैं, एक ही मानते हैं इन जनरल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, डिस्टेंस अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम अदरवाइज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा ग्राफ हो जाएगा आपका स्पीड और वेलोसिटी, कौन सा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ। और आपका थर्ड जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ के क्या होते हैं, मोशन के 3 टाइप्स के क्या होते हैं, ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें सिर्फ इस साल को इतने पढ़ने हैं, 2 ही ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। अब दोनों में एक ही नाम यूटिलाइज करूंगा, लेकिन इसका दोनों में मीनिंग हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि हम वहां पे पढ़ने नहीं वाले, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, मोशन के कितने ग्राफ मिल जाते हैं, 3 ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे फिर से चलते हैं। देखो
यहाँ पे क्या चल रहा है, टाइम, यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम। अब अगर मुझे गिवन है स्टूडेंट्स कि किसका ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आने वाली है स्टूडेंट्स आप लोगों की, कौन सी आने वाली है, सिंपल डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, क्योंकि बाकी की टाइम छोड़ के जो होगी तो कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है और आपका एरो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद जो डिस्प्लेस डिस्टेंस है वो किसमें दिया हुआ है उसका यूनिट ब्रैकेट में छोटा, ठीक है। उसके बाद देखो ये है प्रोसीजर आपका एक ग्राफ प्लॉट करने की। अब इसमें एक बाकी चीज रहेगी कौन सी स्टूडेंट्स, तो इस कोने में क्या की जाती है, इस कोने में ग्राफ की क्या लिखी जाती है स्टूडेंट्स, स्केल लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, स्केल। उसमें लिखा होता है ऑन एक्स एक्सिस, वन एक्सिस के लिए कितने, मतलब एक्स एक्सिस पे आप क्या स्केल ले रहे हो, और ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए आप क्या स्केल ले रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो स्केल मैंने ली है उसके लिए ही लिख रहा हूँ, तो ये जो आपका ग्राफ होता है उसके 1 सेंटीमीटर माना जाता है, ठीक है। अब मैंने माना है कि जो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े से क्या होते हैं आप लोगों को स्क्वायर मिलते हैं, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब क्या हो रहा है, मैं ऐसे मान रहा हूँ कि y एक्सिस पे, x एक्सिस पे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हुआ स्टूडेंट, 1 सेकंड, कितना लिया, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेकंड, सारा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इससे पे ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया मैंने, 1 मीटर, कितना लिया स्टूडेंट, 1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है आप लोगों का क्या स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्लॉट करना है, मतलब ये चीजें आपके ग्राफ में होनी चाहिए, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस, ये और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, y एक्सिस लिखो, सिर्फ x एक्सिस लिखो, और ये बाकी की चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। आप लोग को स्केल एप्रोप्रिएट आप अपने मन से ले सकते हो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिखनी है, मैं बता रहा हूँ आप ग्राफ में जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उस तरह से अगर आप प्लॉट करोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा कि आपको एक भी ग्राफ का न्यूमेरिकल जो होगा वो आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपको नहीं आ रहा, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका ग्राफ कहीं भी नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का सिंपल ग्राफ। उसके बाद ग्राफ के हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं, टू टाइप्स, तीन टाइप्स होते हैं, ध्यान में रखना है, टू टाइप्स पढ़ने स्टूडेंट्स, कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के बारे में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो अब ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकाल दो, अगर आप लोगों को पता नहीं है, पता ही है जनरली, ठीक है। अब ये देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई एक कंसेप्ट और समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने एक लाइन बना ली, लाइन ग्राफ है ना, तो लाइन क्या करती है, बना ली स्टूडेंट्स। अब लाइन बना ली मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एंगल क्रिएट होता है, और उस एंगल को क्या बोला जाता है, थीटा, उस एंगल को क्या बोला जाता है, थीटा, और उसे ही हम जो ग्राफिकल फॉर्म में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो थीटा होता है इसे क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ग्राफ, कि स्लोप मतलब कितना बेंड है, बराबर कितना क्या कर रहा है, स्लोप उसने क्या किया है, बेंडिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स स्लोप मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, देखो स्लोप मीन्स होता है द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज इन बिटवीन टू पॉइंट्स एंड टू द हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। अब समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, देखो रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पूछेगा भी नहीं, डेफिनेशन लिख के रखी है स्टूडेंट्स, देखो डायरेक्टली समझ लेते हैं कि क्या होता है स्लोप। तो स्लोप जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है इन पर्टिकुलर टाइम में, बराबर इन पर्टिकुलर टाइम अदरवाइज पर्टिकुलर डिस्टेंस में। अब देखो मैं इस तरह से लिखूंगा, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप इक्वल्स टू वाई एक्सिस का सबसे पहले क्या होता है वाई एक्सिस अपॉन किसके लिए चेंज देखूंगा, वाई एक्सिस के लिए अपॉन एक्स एक्सिस के लिए, क्या देखने वाला हूँ वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स। अब देखो अब मैं ये जो निकाला जाता है तो ये किस तरह से तो निकाला जाता है वाई एक्सिस के ऊपर निकाला जाएगा चेंज इन
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया स्लोप निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली रट लेना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या है स्लोप, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। देखो अभी आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन बच्चे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों को कि ये आप फॉर्मूला भी नहीं लिखते, डायरेक्टली आप ले लेते हो वैल्यूज। अब ये किस तरह से दिया जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है, समझ लो यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे स्लोप कहाँ से निकालना है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे समझ लो ओ से लेके यहाँ तक मैं पांच, ये जो है ना यहाँ पे देखो ये पांच तक क्या है, बी पॉइंट है समझ लेना, ठीक है, ये पांच तक बी पॉइंट है। तो मुझे स्लोप निकालना है किसका, ए बी का स्टूडेंट, ठीक है, किसका, ए बी का। यहाँ पे निकाल रहा हूँ देखो ए बी का स्लोप निकालना है, मतलब क्या निकालूंगा, वाई टू माइनस वाई वन, y2 minus y1 मतलब क्या हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे मैं इसी तरह को लिख सकता हूँ s2 minus s1 upon t2 minus t1। देखो अब सेम होता है कि नहीं, देखो y2, y2 मतलब क्या, ये है सिंपल आप लोगों का पॉइंट कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखो आप लोगों को रेड पेन से मार्क करता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखना देखो ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये क्या आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट, ये आप लोगों का क्या स्टूडेंट सेकंड पॉइंट। किस तरह से निकालना है देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट ओ से, सॉरी ये ए बी नहीं है, ये कौन सा है ओ बी है, ठीक है, ये क्या स्टूडेंट ओ बी का स्लोप निकालना है। तो क्या है वाई टू माइनस वाई वन, दैट मीन देखो वाई टू ये है वाई टू, बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को लिखूंगा वाई वन, ये लिखूंगा वाई टू, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर चल रहा हूँ वाई एक्सिस ऊपर वाली y2, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होने वाला है y2, मतलब 5 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है, ये है x2, ये पकड़ रहा हूं मैं 4 है समझ लो, ठीक है, 4 माइनस x एक्सिस पे कितना है 0, दैट मींस स्लोप कितना आ गया 5/4, ये OB का क्या आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों का स्लोप आ गया, ये क्या आ गया मेरा सिंपल स्लोप। इस तरह से निकाला जाएगा, सिर्फ आप लोगों को बताया है, ठीक है। देखो तो इस तरीके से स्लोप निकालेंगे हम बाकी क्वांटिटीज में, तो ये हो गया आप लोगों का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। दैट मींस क्या हो रहा है स्टूडेंट देखो, अब आप ये जो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये लिखा है, दैट मींस क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो चेंज इन, सॉरी ये क्या है, यस यस, मतलब ये चेंज स्पीड नहीं है, ये क्या है डिस्टेंस है, ये किसने लिया हुआ है डिस्टेंस, यस से किसने क्या डिनोट किया है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस है, इसलिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ चेंज इन डिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन टाइम। और यही क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, क्या होता है वेलोसिटी स्पीड का, क्या होता है स्पीड मतलब क्या होता है चेंज, क्या होता है देखो, मतलब क्या निकालने वाला हूं मैं सिंपल, ये जो आप लोगों का आ रहा है क्या है सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या आ रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है वेलोसिटी अदरवाइज स्पीड, ये क्या हो गई आप लोगों की स्पीड, क्या हो गई स्टूडेंट सिंपल स्पीड, क्या हो गई स्टूडेंट सिंपल स्पीड, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या की जाती है फाइंड आउट की जाती है स्पीड, ठीक है, इतना ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ आपको यहाँ तक ध्यान में रखना स्टूडेंट, ये लिख के रखना है, ठीक है, सिर्फ ध्यान में अभी का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ मैं बता रहा हूँ, उतनी चीजें ध्यान में रखो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। क्या देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ये स्लोप की डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया आपको स्केल निकाली थी, और ये किस तरह से क्या क्या प्लॉट करना है वो, और स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1 स्टूडेंट, बाकी कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से निकाला है मैंने बताया हुआ है। और देखो अब देखो यहाँ पे ये क्या है स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या होता है स्पीड, मतलब मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या मिला जाता है स्पीड, क्या मिलती है स्पीड, क्या मिल रही है स्पीड, दैट मींस अगर मैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में स्लोप निकालूं तो मुझे क्या मिल रही है स्पीड। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा आगे वाले में बता रहा हूं क्या होगा, यहां पे अगर मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने अगर स्पीड और मुझे यहां पे क्या लिखा टाइम, तो मुझे स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, स्पीड अपॉन टाइम क्या मिलेगा स्पीड, रेट चेंज होगा, फिर आगे देखेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को इतना ही क्या है सफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी में किसी को डाउट्स है मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी को भी डाउट्स है तो आप लोगों को मुझसे क्या करना है
कंसल्ट करना है, पूछना है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, आपके जो डिफिकल्टी है वो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।